तो बहुत खुशी हुई आपको अपनी आंखों से सामने सचमुच देख के, जो यकीन नहीं आ रहा कि आप और हम आमने सामने। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे किताबों से दूर हो चुके हैं, आपकी इन खूबसूरत बातों से और इन सब विजडम से कैसे मुस्तफीद होंगे ये बच्चे, क्योंकि ये कैसे समझेंगे ना ये, क्योंकि ये सिर्फ उस जो जो चीज़ है उसको देखते हैं, किताब नहीं पढ़ते, तो ये कैसे होगा? क्योंकि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारी बात की वो वैल्यू नहीं है जो आपकी बात की वैल्यू है। वो ये कह रही हैं बच्चे बिगाड़ हमने दिए, अब ठीक आप कर दीजिए। मतलब आप ये चाह रही हैं कि आपके बच्चों की परवरिश में करूं। क्योंकि उनको हमारी बात तो समझ नहीं आती, बड़े लोगों की बात समझ आती। ऐसा नहीं है, आप ये ना सोचिए। जो एक तो हम लोग भी तो बच्चों को एक लेटर बॉक्स की तरह समझते हैं ना, कि कॉन्स्टेंटली हम उन्हें विजडम देते रहते हैं, तो वो भी मतलब पक जाते हैं बच्चे, भाई क्या हर बात पे ये हमें असूल सिखा रहे हैं। तो ज़रा इसे थोड़ा सा हम लोगों को राशनिंग करनी चाहिए बच्चों को एडवाइस देने की। दूसरे ये कि हमारे जहन में कोई ख्याल ही नहीं है कि बच्चे में भी खुददारी और सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम चार आदमी के सामने जब बच्चे को डांटेंगे या उसको कहीं चलो बाहर जाओ या उसे ये कैसे करते हो, उसको बड़ी इंसल्ट महसूस होती है, वो बहुत उसे याद रहती है बात कि मेरे माँ बाप ने मुझसे ऐसे बात की थी। उसकी खुददारी कोई मेरी आपकी खुददारी से कम नहीं है, वो कितना भी छोटा हो बच्चा। तो अगर उन बातों का एहतराम करके सही माहौल में सही तरह से अच्छी तमीज बांध के आप कोई बात करें कि जहाँ बच्चे को लगे कि आप यू आर नॉट टॉकिंग एट हिम, यू आर टॉकिंग टू हिम, तो वो बच्चा सुनेंगे। अब इतना नालायक हो कि वो फिर भी ना सुने तो ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। जी फिर वहाँ आता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं, वैसे मैं भी आपके घर जा चुकी हूँ, क्योंकि 17 जनवरी आपकी और मेरी सालगिरह है और मैंने आपके घर खाना भी खाया, लेकिन आपको याद नहीं है। मैं घर पे था जी। चले वो तो कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप कई बार पाकिस्तान आ चुके हैं और आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान एक माशाल्लाह बड़ा फ्रेंडली लविंग और पॉजिटिव मुल्क है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारा तस्वीर है वो इतना अच्छा नहीं है। तो एक मिनट, मैं ये समझती हूँ कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या आप जाकर बताते हैं कि वो तो बड़े अच्छे लोग हैं, क्योंकि वो तो जगह जगह बम नहीं मारते, हमें फूल भी पहनाते हैं, प्यार भी करते हैं, आप ये जाके बताते हैं उनको कि नहीं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रीजन में अच्छे हालात हों, हम मोहब्बत करें, दोस्ती करें आपस में। आप जो कह रही हैं उसमें बहुत सच्चाई है, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि लाहौर और अमृतसर के सेंटर, जो शहर का सेंटर, उनमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पता नहीं कितने लोग के पास जानते हैं। उसके बावजूद इन दोनों शहरों में और पूरे मुल्कों में एक दूसरे के बारे में जो लाइलमी है वो हैरत अंगेज है। आप ऐसा ना समझिए कि आप हिंदुस्तान के बारे में सब जानती हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आम हिंदुस्तानी आपके बारे में सब जानता है, आप में कैसे कैसे यहाँ लोग बैठे हैं उनके बारे में उसे पता है, लेकिन आपको भी नहीं पता। और ये लाइलमी दोनों तरफ से है। मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ, मैं सुनता हूँ जो बात। मुझे याद है 5 बरस पहले जब मैं आया था तो इनके घर में बैठा हुआ था और वहाँ कुछ लोग बैठे पंजाबी में बात कर रहे थे, कोई हैरत की बात नहीं है, पंजाबी है। तो कोई लतीफ़ा हुआ जिस पर मैं भी हंसा, तो मेरे बराबर में खातून बैठी थी, उन्होंने पूछा कि आप पंजाबी समझते हैं? तो मैंने कहा जी हाँ समझ, बोल नहीं पाता हूँ समझ लेता हूँ। तो कहने आपको कैसे आ गई? तो मैंने कहा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर तो पंजाबी ही हैं। तो अरे तो और बहुत खुश हो गई खातून, कहने आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पंजाबी है तो कौन लोग हैं? तो मैंने कहा अगर आप ये पूछें कि कौन नहीं है तो मुझे आसानी हो जाएगी बताने में। तो कहने नहीं फिर भी, तो मैंने 3-4 नाम लिए। तो कहने मगर वो तो हिंदू हैं। लाहौर में बैठी एक ग्रोन अप लड़की, पढ़ी लिखी लड़की को ये नहीं मालूम था कि कुछ पंजाबी हिंदू भी हैं। और यही लाइल में उधर भी है।
तो ये तो बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह के जो कल्चरल एक्सचेंज होने चाहिए थे, स्टूडेंट एक्सचेंज होने चाहिए थे, वो नहीं है। जो कम्युनिकेशन होने चाहिए थे वो नहीं है। तो जाहिर है कि जो बातें अब जो आदमी कुछ नहीं जानता, मेहदी हसन आए, नहायत पॉपुलर हुए थे वहाँ, नूरजहाँ बड़ी उनकी एहतराम में जब आई थी, आप सोच नहीं सकते किस तरह का फंक्शन उनका हुआ था। उसकी कमेंट्री शबाना ने दी थी, लिखी मैंने थी, और वो पूरा जिस तरह से हॉल ने उन्हें रिसीव किया, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इस तरह की ग्रेट सिंगर्स, उन्होंने जो एहतराम दिया उन्हें वो है। फैज साहब आए थे तो ऐसा लगता था किसी स्टेट का हेड आया हुआ है। आगे पीछे तो गाड़ियाँ चल रही होती थी, वो सायरन देती हुई, और जब आते थे तो गवर्नर हाउस में ठहरते थे। वहाँ का कोई टेलीविज़न नहीं था जिसने उन्हें कहा आप तो आपके यहाँ प्राइवेट चैनल आ गए हैं। पीटीवी पे तो कोई हिंदुस्तानी जा नहीं सकता था, कोई साहिर का, कभी कैफी का, कभी सरदार जाफरी का इंटरव्यू देखा आपने पीटीवी पे? हम आपको दिखाएंगे, हमारे यहाँ हुआ। तो ये जो बंदिश आया है कम्युनिकेशन पे, और कहीं कोशिश है कि लोग एक दूसरे को जान ना सकें, ये माफ़ कीजिएगा दोनों तरफ से, और शायद थोड़ी सी आपके यहाँ ज़्यादा है, अब कम हो रही है, मुझे खुशी है। तो ये मैं यहाँ मैं तकल्लुक से काम नहीं लूँगा। हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए, आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं हुआ। तो हकीकत ये है, चलिए अब हम एक दूसरे को इल्ज़ाम ना दें, उससे सॉल्व नहीं होगा। अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए।